तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग ठंड में? गुड मॉर्निंग टू। गुड मॉर्निंग टू। तो सुबह के 7 बज चुके हैं। हम उठने जा रहे हैं भूख के लिए, खाना वाना रेडी करने। तो देखिए पड़ी हुई है यहीं पे। बोल रही हो? मेरा काम ही है पड़ा रहना। पड़े रहना तेरा काम है? हाँ। अभी तेरा काम है पड़े रहना ना है। तो तुमको क्या क्या खाने का मन कर रहा है? वो पता नहीं, जो आप खाना दे दीजिए। जो हम देते ना। चलो ठीक ठीक है, तो आगे मिलते हैं आप लोग से। किचन में मिलेंगे चौहान जी, क्योंकि किचन में इतना सारा काम अभी तो पता चलेगा लड़की लोग को कितना काम रहता है। और पता है मैं उनके लिए कपड़ा भी निकाल के रखी हूँ, कितना सारा कपड़ा भी धोना है। तो आज सारा काम करेंगे। खाना बनाइए, कपड़ा धोइए, घर सजाइए। घर बहुत गंदा था गाइस, फिर भी मैंने धीरे धीरे कर लिया, चुपके चुपके घर भी थोड़ा बहुत सही आई है। कोई करने नहीं देता, सोए सोए पेट में दर्द हो गया है मेरे को। सोए सोए पेट और पीठ में दोनों में दर्द हो गया है। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो काम करना पड़ेगा ना। चल तो जल्दी एक्टिव हो जाऊंगी। खुद से खूब प्रयास कर रही है कि हम जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि फिर भी पड़ी हुई है। फिर भी कल रात में इतना पेन हो गया था, इतना पेन हो गया था कि जिंदगी फिर से वैसे ही तंग तंग लग रही थी। फिर बहुत मुश्किल पड़ी। चलिए इसके लिए पहले अब बकवास बंद करते हैं और फिर लिए हम लाते हैं सारा कुछ। ठीक है, चलो ब्रश लाते हैं पहले। पता है आप सभी को चौहान जी झाड़ू लगा रहे हैं। चौहान जी फर्स्ट टाइम आप झाड़ू लगा रहे हैं ना घर में? पहले बचपन में लगाते थे मैं। अरे मेरे आने के बाद तो आप फर्स्ट टाइम ही ना झाड़ू लगा रहे हैं। तो मेरे आने के बाद ये कभी झाड़ू लगाए नहीं थे। अब इनको झाड़ू भी लगाना पड़ रहा है आज, और खाना भी बनाना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। आपको दया आता था मेरे ऊपर? हमसे कितना काम करवाते थे। हम उठे नहीं उठेंगे, अभी तो मौज है। सारा काम करके देखिए, मजा आएगा। मौज है ना बेटा, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। लगा रहे झाड़ू और यहाँ मेरी मौज है। मैं सो रही हूँ। ये ऐस है, इधर काम हो रहा है। ऐस नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मुझे खुद ये सब अच्छा नहीं लगा, पता नहीं कब तक ठीक होगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुश्किल से 4-5 दिन रिकवर कर जाऊंगी। गाइस मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। चौहान जी मुझे हम नहा धोवा कर, मतलब नहाए नहीं है बट गर्म पानी से पूरे बॉडी को मतलब क्लीन किए हैं, तो इससे ना मैं एकदम फ्रेश फ्रेश फील कर रही हूँ और एकदम न्यू लग रही हूँ। बहुत बीमार फील हो रहा था, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और चौहान जी अभी सब्जी बना रहे हैं अंदर किचन में है, मैं दिखा नहीं सकती, मुझे उठने का मन नहीं है। अभी भी मैं हीटर के पास ही हूँ और अभी थोड़ी देर पहले मैं धूप में गई थी, फिर वहाँ से थोड़ा गर्म हुई, उसके बाद आई तो चौहान जी बोले थोड़ा तुम क्लीन हो जाओ। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे भी फील हो रहा था, मैं 2 दिन मतलब कल रात से ही बोल रही थी मुझे जल्दी से कपड़े चेंज कर दीजिए और नहा दीजिए। मैं तो रात से ही बोल रही थी नहा दीजिए, बट नहाने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि रात में दर्द बढ़ गया था। तो गर्म पानी से डिटॉल डाल के पूरे फेस को एंड बॉडी को क्लीन कर दिए। और चौहान जी क्या करत है? आवत है? आवत है इधर? खा लो ना। क्या खा लूं?
ये तुम कैसे कैसे रहेगा बाबा? अरे बाप रे, अपना बाल तो देखे ये। चलो ये बोलो, टोपी लगाने से आपका बाल खराब हो? ये लो, काम देते हैं घोर के। तो अभी मेरे पास ड्राई फ्रूट आए हैं, अभी चना है और कुछ फ्रूट्स भी हैं। तो अभी ये ख़त्म करना है, उसके बाद फिर दवा खाना है। अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अब मैं ठीक लग रही हूँ। चौहान जी अब बीमारियाँ लग रहे हैं, आप कृपया करके अपना सेहत पे ध्यान दें। टोपी वो खोले है ना, उनका बाल इधर इधर उधर उधर हो गया है। तो अभी मैं खा लेती हूँ। तो ये ख़त्म करने के बाद ना मैं आपको से मिलती हूँ, क्योंकि इसको ख़त्म करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। ज़्यादा स्पीड नहीं खा पाती हूँ, ज़्यादा स्पीड बोल नहीं पाती हूँ, स्पीड चल नहीं पाती हूँ, थोड़ा समय लगेगा बट ठीक हो जाएगा। सारा कुछ सारा काम हो गया, झाड़ू घर साफ़ कर लिए, अब हम खाना बना रहे थे तो आप लोग को दिखा देते हैं। स्वाति को भी रेडी कर चुके हैं, स्वाति भी रेडी हो गई है, ये हीटर के सामने बैठी हुई है, ये भी अपना नाश्ता कर ली। अब इसको दवा खिलाना है और मेरा चल रहा है काम, किचन में काम। तो सारा गोभी वो भी काट के ये मैं सब्ज़ी बना रहा हूँ, आलू गोभी मटर और बस ये। और अभी मैं जा रहा हूँ स्वाति को खाना खिलाने, सॉरी दवा खिलाने, आई एम सो सॉरी। तो दवा खिलाते हैं, स्वाति का दवा, और लाते हैं पानी, और तुम दवा खाओ, खिला देते हैं, पानी लाते हैं, ये रखो। गाइस देखते हो कितने सारे दवाएं, बहुत सारे दवाएं। अब सारा दवा है ना, दो सुबह में खाती हूँ, बाकी सब 8-9 दवा है वो रात में खाती हूँ। सो यार दवा खा लिया, चौहान जी अब खाना बना रहे, और मैं ना मतलब मेरा पेट भरा हुआ है और मुझे थोड़ा नींद भी आ रहा है, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। उसके बाद छत पे जाएंगे, अगर चौहान जी खाना बना लेंगे तो फिर छत पे भी जा सकते हैं, क्योंकि छत पे धूप है। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मन नहीं हो रहा, मतलब मैं गई थी उसके बाद भी चौहान जी को बहुत सारा काम बाकी है, तो वो ख़त्म कर लेंगे तभी मैं जाऊँगी, क्योंकि अकेले उनको भी मन नहीं लगेगा ना, ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी छत पे आई हूँ और धूप ले रही हूँ, बिकॉज घर में ठंड लभी लग रही थी, और छत पे आने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। चौहान जी भी आए हैं, पता नहीं दिख रहे या नहीं, चौहान जी आए लेकिन वो नहाए धोए नहीं है। अभी यहाँ से जाने के बाद वो नहाएंगे, क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है ना, तो काम ही ख़त्म अब हो गया, खाना पीना भी हो गया। सो गाइस छत पर से आने के बाद ना मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब मुझे बहुत पेन हो रखा था, तो इतनी हालत में ना मतलब इतनी ख़राब हो गई थी ना कि कुछ भी आगे आपको नहीं बताया मैंने। और अभी शाम हो गई है और मैं मेडिसिन लेकर सो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ है बहुत, लेकिन अभी मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा आराम मिला है तो मैं बोल पा रही हूँ। चौहान जी भी मेरे साथ ही है, यहाँ पे बैठे हुए आराम से, इनका मुँह देखते रहना है आप लोग को,
ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे ना, बिकॉज प्लेइंग गेम, गेम के टाइम में इनका यही मुंह रहता है, इतने रंग के मुंह बनाते हैं ना कि बता नहीं सकते। सो अभी जहाँ जी जाने वाले हैं खाना बनाने ना, अभी डिसाइड कर रहे थे क्या बनाएंगे ना? पति पति अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार उनको हरा चुकी हूँ डिस्टर्ब करके। तो अभी वो डिसाइड कर रहे थे कि कुछ बनाते हैं, रोटी पराठा पता नहीं अपने मन से, बिकॉज बनाना तो उन्हीं को है। मैं तो सोऊंगी, अभी मैं सोऊंगी नहीं, बहुत सोई हूँ और हालत भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो ऐसे मतलब मेरा टारगेट यही है कि मैं बीमारिया जैसा नहीं दिखूं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा मतलब हर एक दो चार घंटे में फ्रेश होना पड़ता है, तो फिर से मेरा मुंह ना डल हो जाता है क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एकदम चाहती हूँ कि फ्रेश फील करूं। चौहान जी तो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, गूंगे हो गए गूंगे ओए 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 ओए, अरे बोल दो जरा सनम, ओ ओ, अरे छोड़ो ना, देख रहे ना गाइस, बीमार आदमी को भी ऐसे ही कर रहे हैं, क्यों बेचारे को काम करना पड़ रहा है। सो यार मैं ना चाहती हूँ थोड़ा फ्रेश होती हूँ, कि अब मुझे मेरा बॉडी पेन हो रखा है सो कर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जब पेन होता है तो सोना ही पड़ता है मुझे। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस मैं तो मैं चौहान जी के ऊपर बैठी हुई है, कैसा लग रहा पति? लटो उठाइए, वो कौन की जगह है? हमको कसरत कर रहे हैं क्या? टेबल में टूट गई वो, हमको दिखाई। अरे वो हमको इसमें से सामान उठा दो, टेबल उठाओ, नहीं चुमाएगा, नहीं उठाए भाई, ले अब उतार दीजिए, अब हमको नहीं करना बुगू, हम बहुत भारी है ना, उतार दीजिए, गिर गई ना।